please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और मुंबई से बड़ी खबर दे रहे हैं आशीष सिंह। खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी पर मुंबई में आतंकी हमले की आशंका जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन भारत के एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है और आशंका जाहिर की गई है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सरकारी इमारतों, नेताओं, शॉपिंग मॉल्स और भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला करने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो आतंकी अब्दुल सुभान की गिरफ्तारी भी इसी हमले की आशंका की ओर इशारा करती है। छब्बीस जनवरी से ठीक पहले खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस शेयरिंग मीटिंग के दौरान एक अहम खुलासा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन एक बड़े ऑपरेशन को ट्रिगर आउट करने की तैयारी में था, जिसके निशाने पर आरएसएस के कई बड़े नेता, कई एस्टेब्लिशमेंट, कई पॉलिटिकल लीडर्स थे। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों को भी टारगेट करने की तैयारी थी। तौकीर उर्फ अब्दुल सुभान कुरैशी की गिरफ्तारी के साथ कहीं ना कहीं कई अहम खुलासे जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों की माने तो ये पूरा इंडियन मुजाहिदीन का प्लान ट्रिगर आउट होने की तैयारी में था। उससे पहले ही अब्दुल सुभान कुरैशी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन का जो प्लान है वो एक्टिवेट हो चुका है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आईएम एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद ने 10 से 15 फिदायीन आतंकियों का एक दस्ता तैयार किया है, जो कहीं ना कहीं भारत में इन्फिल्ट्रेट करके, भारत में घुसपैठ करते हुए एक बड़े सुसाइड अटैक को अंजाम देने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी तरह से लश्कर ए तैयबा भी एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में जुटा है। सबसे अहम बात यह है कि खुफिया विभाग ने एक सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को जो है वो दर्ज किया, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कुछ समय पहले जो है एमबीपीटी के एरिया, जो महाराष्ट्र पोर्ट ट्रस्ट का एरिया है, वहाँ के बूचर आइलैंड के पास एक स्पीड बोट की जो है गतिविधि दर्ज की गई थी। ये संदिग्ध गतिविधि जो है लगातार समंदर में हो रही थी, जिसे CISF और मरीन पुलिस ने जो है ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उस बोट का और उसके से उस सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 26 जनवरी से ठीक पहले खुफिया विभाग के ये अलर्ट ये जता देने के लिए काफ़ी हैं कि आतंकी संगठन एक बड़े ऑपरेशन को ट्रिगर आउट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा चाक चौबंद है और इस वक्त हम CCTV के उस मॉनिटरिंग रूम पर हैं, जहां पर खुद दिल्ली के राजपथ से लेकर पूरा लाल किला तक का जो चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे से नज़र रखी जाएगी, वो आपको मॉनिटरिंग हम रूम दिखा रहे हैं। ये मॉनिटरिंग रूम एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर आपको दिखाया जा रहा है और ख़ासतौर से ये रूट जो है काफ़ी अहम है, क्योंकि यहीं से राजपथ से लेकर लाल किला तक जो परेड जाएगी, उस दौरान यहाँ पर किस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होगी, वो सब इन CCTV कैमरों में दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग जो है इस कंट्रोल रूम पर है। ऐसे ही कई कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग करने के लिए लुटियन जोन्स में बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा कैमरों की मॉनिटरिंग हो रही है और ये ख़ास तौर से इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ अहम है और पूरा राजपथ से लेकर जो रूट है वो आगे बढ़ेगा। ये CCTV कैमरे आप देख सकते हैं, सब में जो है एक एक पल की जानकारी के लिए ये मॉनिटरिंग सुविधा है यहाँ पर। तो ख़ास तौर से इन कैमरों में जो सड़क है उसको लगाया गया है, जो भी रूट से जो भी जाएगा उसको नज़दीक से आप देख सकते हैं। ये रूट आप देख सकते हैं, ट्रैफिक का रूट है, खाली मैदान का रूट है, साथ ही वो जगह जहाँ पर सेंसिटिव जोन है उन सभी को, ये मार्केट का रूट आप देख सकते हैं। तो ये जो रूट्स दिखाए जा रहे हैं ये सब अहम है और यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी तरह की कोई हलचल होती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर भी कैमरे का फोकस दिया गया है, ताकि ये मूविंग कैमरा आप देख सकते हैं, ये मूव कर रहा है ये कैमरा। तो ये बड़े बड़े हाई क्लास और हाई डेफिनेशन के कैमराज जो हैं वो लगाए गए हैं। राजपथ का जो इलाका है वो पूरा कवर्ड है, आप ये देख सकते हैं राजपथ का इलाका यहाँ पर पूरा कवर्ड है। साथ ही राजपथ पर कौन कौन लोग संदिग्ध हों उन पर नज़र रखी जा रही है, साथ ही जो पार्किंग होती है पार्किंग को लेकर खासतौर से CCTV कैमराज की मॉनिटरिंग है,
उसके बाद जो मेन रूट है, क्योंकि आईटीओ तक ये आईटीओ से भी आगे जाकर ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि जो 8 किलोमीटर से ज़्यादा का दायरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन देख सकते हैं, आपको ये देखकर लग रहा होगा क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटरीट का है। और ये देखिए जूमिंग पावर इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि किसी जगह पर भी ये मूवमेंट हो सकती है, कैमरा अपने आप मूव करता है। और ये देखिए ये जूमिंग पावर है। तो कोई भी शख्स, अगर जिस तरह से ये शख्स है यहाँ पर बात कर रहा साइकिल में, अगर इसको भी जूम करना है तो आप उसके पास भी पहुँच सकते हैं, तो उसकी पहचान भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस तरह के हाईटेक कैमरे जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और ये साजिश एक या दो नहीं बल्कि 3 बड़े आतंकी संगठन रचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा शामिल हैं। हाल ही में खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस शेयरिंग इनपुट मीटिंग हुई, जिसमें ये बातें सामने आई कि तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो आतंकी संगठन हैं, वो किस तरह भारत को गणतंत्र दिवस के मौके पर दहलाने की साजिश कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इनपुट आया है उसमें भी ये बात सामने आई है कि आसियान नेता जो इस वक्त भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर पहुंचने वाले हैं, उनके ऊपर भी IED हमला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फिलहाल जो है दिल्ली में इसी तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस के मौके से ठीक पहले जो अलर्ट जारी किया है उसमें ये बातें भी सामने आई हैं कि चीन और सऊदी अरब, ये दोनों देश हैं जिनकी तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है और अलग अलग गुटों में जो आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तमाम तरीकों से वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया हो या फिर जो कोस्टल एरिया हो वहाँ से हो या फिर छोटे छोटे ग्रुप में दूसरे देशों से भारत में आने की साजिश जो है वो रची जा रही है। और इस बीच मुंबई कोस्ट पर एक संदिग्ध गतिविधि कुछ ही दिन पहले जो है वो देखी गई है, जिसमें एक बोट जो है वो मुंबई कोस्ट के पास पहुंचने की कोशिश की, जब मरीन पुलिस और CISF ने पीछा किया तो रात के अंधेरे में बोट जो है वो गायब हो गई, जिसके बाद अब सारा दारोमदार खुफिया विभाग और सुरक्षा एजेंसियों पर है कि वो हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस का जो मौका है उसे सुरक्षित ढंग से पूरा करवा पाए। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर के साथ शीतल आनंद, न्यूज 18 इंडिया।